become the part of my YouTube family by subscribing this channel and press the bell icon button for the notification and don't forget to like and share this video. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Monica. मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है. आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज का दिन थोड़ा सा स्लो है, आज संडे है, राहुल जा चुके हैं, राहुल का लंच पैक हो चुका है. तो आज भी क्योंकि कल की सब्जी रखी हुई है, आलू शिमला मिर्च की जो बनाई थी बहुत थोड़ी सी रखी हुई है, क्योंकि मैं तो रोटी वगैरह बहुत कम ही खाती हूँ. मैं सैंडविचेस वगैरह रैप वगैरह वो ज्यादा बना लेती हूँ. और कुछ आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं 3-4 डेज तक एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी खा ले. मतलब कि और बता और क्या खाने का मन है, और बता कुछ तला हुआ कुछ वैसा. तो मैं बस आजकल वही चीजें ढूंढ रही हूँ जो कम्फर्ट फूड होता है, एक मूड वाला फूड होता है, कम्फर्ट होता है, जिससे तुम्हारे मूड अच्छा हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते कितना फैट है कितनी कैलोरीज है. क्योंकि जब से ये पता चला है ना कि जो भी हम शुगर वाली चीज खाते हैं हमारी बॉडी में जाके वो कम से कम 1-1.5 हफ्ते तक वो चीज सड़ती है, तब हमारी बॉडी से निकलती है. तो बस कुछ चीजें ऐसी होती है, ये मेरे साथ बचपन में ही है कि कुछ चीजें ना मेरे दिमाग को पकड़ लेती है और बस वो फिर पूरी लाइफ ही निकलती. तो इस चीज ने मेरे दिमाग को पकड़ लिया है, इस वजह से मैं मीठा तो नहीं खाऊंगी, मीठे वाली चीज नहीं ले रही हूँ, लेकिन नमकीन में मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही. अब पता है क्या किया ना, इसको शानू को सिस्टर सिस्टर बोलती है, तो शानू भी क्या को सिस्टर सिस्टर बोलने लगी. सिस्टर कम सिस्टर कम. हाँ, अभी कुछ ऐसे हम इंग्लिश इंग्लिश. हाँ पता है क्या, मेरे स्कूल में भी ना चाहे बड़ा होता था या छोटा होता था उसको सिस्टर बोलना पड़ता था. हमारे स्कूल में रूल था कि आपको सिस्टर ही बोलना है. नहीं, स्कूल में सिर्फ गर्ल्स ही थी. अरे क्या चाहिए, बैठो 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 नहीं, टू टाइप्स के स्कूल होते हैं जिसमें सिर्फ नहीं, 3 टाइप्स के, सिर्फ गर्ल्स वाले, सिर्फ बॉयज वाले और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों. तो मैं 8th क्लास तक तो गर्ल्स एंड बॉयज वाले दोनों में थी, फिर उसके बाद मैं सिर्फ गर्ल्स वाले में थी. तो जो गर्ल्स वाला था वहाँ पे सिस्टर बोलते थे. हम घर आके भी, मैं पारुल मासी और मैं एक ही स्कूल में थे ना, हम घर आके भी सिस्टर बोलते थे. हमें अभी बोलते सिस्टर की. ओहो यार, से क्लोथ चेंज करो, इससे परेशान हो रही है. सिट हो जाओ, क्या हुआ? नहीं बैठना, मत बैठ. कहाँ भागे घूम रहे हो? आओ ऑयलिंग करा लो, कॉम करा लो. ये हर चीज भाग भाग के कराती है, कपड़े भाग भाग के पहनवाती है. कहाँ इसको ऐसे लगता है, पता नहीं इसको हैबिट हो गई है. जैसे मैंने शुरू में नहीं टोका ना, शुरू में मैं इसका खेलने लग गई तो उसको लगा चलो ऐसे तो मस्त है, ऐसे ही करूंगी अपना. बैठो आप ही शानू. ठीक है, मैं आप ही अभी बैठो. ओ नो, क्या दो मुझे हैंड. क्या हो गया ड्रेसअप? खाना लेके आ रही हूँ. ये मैंने अपना वही कल वाला टोस्ट बनाया है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट हो गया है. तो बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है, ये एक ही शीट में मेरा पेट भर जाता है. ये देखो इस लड़की के ड्रामे देखो, ये इतनी सारी जगह यहाँ पे, इतनी सारी जगह यहाँ पे, लेकिन इसको मेरे ऊपर ही बैठना है. क्यों? अरे आप भी आओ, आओ सब आ जाओ, हटो शानू, जाओ यहाँ से. किया स्पेस दो इसको, भी बिठाओ, शिफ्ट हो, साइड में बैठो. आके लड्डू बट रहे हैं, साइड होके बैठ. इसकी हॉट वाली प्लेस दे दी. हम लोग घर के अंदर पार्क में थोड़ी ना बैठे हैं जो हॉट कोल्ड हो रहा है. पूरा दिन ही नहीं की लड़ाई सुलझाते रहो. टॉयज दे दो ना किया, या तो आप लोग टीवी देखो, क्या फिर आप लड़ोगे झगड़ोगे? क्यों? तो अब देखो आ रहा है डायनासोर, खाएगा आपको. ये क्या, कभी डायनासोर कभी टॉय, कभी रोना है कभी हंसना है इसने. अरे क्या हुआ, बटन है क्या कहीं पे आपको कोई जो प्रेस हो जाता है? चलो आओ ऑयलिंग कर दो, आप दोनों के हेयर ड्राई हो गए ना, चलो आ जाओ.
डॉक्टर डॉक्टर खेल तो रहे थे, आपने खेलने दिया? हाँ, but. किया, मैंने समझाया हुआ है शाम, अगर हमें प्ले करना है शाम को जो करना है करने दो, वो टॉयज टच करके करने दो, लेकिन आपने उसको क्राई करा दिया। अब चलो पार्क चलोगे? चलो सेम चीज तो होगी जब हम दोनों प्ले कर रहे होंगे, या आके कुछ टच करेगी आप उससे छीनोगे, ये रोने लग जाएगी। नहीं बट मुझे ऑल ऑफ द टॉयज लेगी, फिर क्या उससे चेकअप होएगा? ओनली वो है। हम कुछ और कोई और टूल बना लेते, अब हम प्ले कर पा रहे हैं। मैं पार्क जा रही हूँ, मुझे परेशान कर, मेरे को 2 मिनट आराम से बैठना है, झूलना है झूलना, नहीं झूलना मत झूलना, वापस घर आ जाना, समझ आ गई बात? चलो जब हम घर आएंगे फिर चाय करेंगे कुछ, ओके? तो अब हम चल रही है पार्क। ये दोनों बहुत एक्साइटेड किया, देखो उसमें फ्लावर्स आ गए, है ना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। चलो आपका तो मैं स्टॉलर लूंगी, आप क्या भरोसा गोदू मांगने लग जाओ, तो वैसे तो आप पैदल चल लेते हो काफी हद तक, पर ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसे थोड़ी ना, आपकी सहूलियत के लिए, और मम्मा मम्मा से गोदू लेके चलेंगी। तो आज वेदर अच्छा है, इस वजह से हम इस वाले पार्क में आए हैं। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि हमारे घर के सबसे पास यही वाला पार्क है, तो हम यहाँ आते हैं, और सबसे पास भी है और बहुत फ्री भी रहता है, वरना और भी एक दो पार्क है लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा फ्री रहता है। यहाँ ज़्यादातर बच्चे नहीं दिखते, लेकिन आज एक दो दिख रहे हैं क्योंकि आज हॉलीडे है, स्कूल हॉलीडे है, संडे है आज, और एक और रीज़न है कि आज सनी डे है। बहुत दिनों बाद धूप निकलती है यहाँ पर, जब निकलती है जब अपन अपने घर से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि हम निकल आए हैं कि चलो तो मैं लेके चलती हूँ। छोटी वाली तो हमारी बहुत, वैसे दोनों ही बहुत खुश है बाहर के नाम से, ऑब्वियसली अब बच्चे बोर हो जाते हैं, हम बड़े ही बोर हो जाते हैं अगर ज़्यादा दिन घर पर रुक जाए तो। हाँ जी आज तो एक दो और बच्चे हैं यहाँ पे, वरना यूजुअली होते नहीं है, क्योंकि ये ना ज़्यादा यहाँ पे डॉग्स रहते हैं तो इस वजह से कम लेके आते, क्योंकि बच्चे यहाँ वहाँ भागते हैं और डर लगा रहता है, मुझे भी डर लगा रहता है, लेकिन मेरे टाइम पे बहुत कम डॉग्स मिलते हैं तो मैं तो ले आती हूँ इन्हें, लेकिन आज बच्चे भी हैं डॉग्स भी हैं सभी हैं। किया को शौक चढ़ा है स्ट्रॉलर चलाने का, तो मैंने कहा ठीक है आप चला लो, और शायद मेरे साथ नहीं आ रही। हाँ लेकिन फिर भी आ जाते हैं ना, फिर भी पीपल लेके आ जाते हैं। तो मैंने शान को बोला मेरे साथ आगे आगे चल लो, लेकिन नहीं क्या, दीदी के साथ पीछे पीछे चल रही है, आ जाओ मेरे साथ आगे। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है नो डॉग्स अलाउड इन द प्लेग्राउंड, लेकिन है ना फिर भी डॉग्स, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। इसको तेज तेज झूलने मजा आता है। हाँ जी शोना, नहीं जानू अभी नहीं करेगी, आप कर लो, वो अभी हैप्पी है ना यहाँ पे। क्या ध्यान से बच्चे, पहले ये कैट को स्लाइड कराते हैं, फिर किया आती है, अब शान हट जाओ आ जाए के आराम से, उसको स्लो करना आ गया है। अभी फिर जाते हैं, पहले कैटी ऊपर जाती है, वहां से किया आएगी, वहां से शान जाएगी। हाँ आ गया शानू को, नहीं शानू फुट फुट रखो फुट, फिर भी डर लगा रहता है। वेरी गुड शानू, कम पिक्चर लेंगे मम्मा कम। अब हम लोग जा रहे हैं वो लेक वाली साइड पे। ओ ध्यान से शाना ध्यान से, ओ मेरा बच्चा मस्त है, मेरा शोना, मैंने कैप्चर करा। ओ किया आई लव इट, हाउ यू मदर योर सिस्टर, हाउ यू टेक केयर ऑफ हर, ओ बीबू आ दिखा मेरे को बच्चा। तो अब हमने सोचा है कि यहाँ से तो हम बोर हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी पूरी पूरी फुर्सत है, इनका टाइम पास कराना है, कुछ नहीं हमने घर जाके टीवी देखना है, तो मैं सोच रही हूँ लेक जहाँ पे थोड़ा सा दूर है वहाँ पे चलते हैं, और रास्ते में 7-Eleven होगा, जिससे वहाँ 24/7 होता है, यहाँ पे 7-Eleven होता है, तो हम लोग वहाँ जाके वहाँ से कुछ खाने पीने का लेके फिर निकलते हैं। हाँ जी चलो,
तो चलो चलना है तो कुछ खाने पीने का ले लेंगे फिर चलेंगे। अब देखो छोटी वाली को भी करना है। चलो तो हम लोग चलते हैं, फिर आप लोगों से लेक पे मिलते हैं। तो अब हम वॉक करते करते आ गए हैं यहाँ 7-Eleven पे। आज हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया सामान लेंगे और जाके भी खाएंगे। ओके, क्या लेने वाले हो कि आप? समथिंग स्वीट। आई नो यू। ओए, ये कहाँ से आया? अरे क्या था? जो भी था शायद विंड से आया है। हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये ऐसे यहाँ पे गार्बेज बिन था ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से मुझे खुल गया। जो भी था मैं बहुत स्कैर्ड हो गई, अगर शानू के लग जाती तो आई हैव टू रिमूव केयरफुल। यहाँ पे डोनट्स हैं कॉफ़ी के और स्मूदी के ऑप्शन है। अच्छा, शानू को भी मजे स्लीप आ रहा है। यहाँ पे खाने पीने के भी ऑप्शन है। हाँ जी आ रहे हैं, देखने तो दो। किया को ना सब कुछ पता है कि किस साइड क्या थिंग्स है क्या नहीं है। नो no. नहीं नहीं नहीं, मैंने कब बोला मैं आपको दिलाऊंगी? मुझे पता है आपको स्वीट चाहिए होती है, लेकिन मैं आपको दिलाऊंगी नहीं। हम घूमने के लिए आए हैं। इतना क्यों भाषण दे रही हो मुझे? इसके अंदर क्यों आए हम? हाँ मैंने कहा था ना मैं देखूंगी क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो मुझे देखने तो क्या लेना है क्या नहीं लेना। चलो फिर मेरे को पता है क्या लेना है। चॉकलेट मफिन लेते हैं, ये लेते हैं। ये ऐसे ही तो है, इसमें क्या बुराई है? ओके और सेपरेट सेपरेट लिए ऐसे 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 वाले। आज हम थोड़े से डिफरेंट वे से आए थे। देखो कितने छोटे छोटे बेबी स्केट्स कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं अपना डोनट खाते हुए। हमने इंतज़ार ही नहीं करा, हमने रास्ते में ही शुरू हो गए। और हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ बहुत रश है। मतलब कि सब पिकनिक मनाने आ गए, क्योंकि मैंने बताया ना आज वेदर थोड़ा अलग है। पिछले 3-4 दिन से इतनी अच्छी धूप नहीं आई थी, आज है। ऊपर से बच्चों की छुट्टी भी है तो सब लेकर निकले हुए हैं। किया गेट साइड। और देखो सब चेयर वगैरह लेके बैठे हुए हैं, वहाँ पे सब ने ग्रिल विल करना स्टार्ट करा हुआ है। ऐसे आता है ना जब लोग ग्रिल कर रहे हैं वहाँ पे। जो क्या दीदी करेगी वही इसने करता है। अच्छा बच्चे भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पार्क है कि यहाँ पे सबके खेलने के लिए कूदने के लिए जगह है। नहीं शानू नहीं पॉप कर पा या कुछ और प्ले कर लो ना, शानू के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। वो ध्यान से हैंड होल्ड करो उसका। हाय शानू, हाय कर लो। और देखो भाई दूसरी साइड कोई नहीं है, हम सारे के सारे एक ही साइड बैठ कर। इन्हें जहाँ छोड़ा था वहीं से ले रही हूँ। चलो आ जाओ बस अब चलते हैं। या शानू चले। अरे 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 फिर से मत गिर जाना। ओहो आज तो शानू इससे एक्सपर्ट होके जाएगी। किया चले। डोनट इतना बेकार खाया था, ज़्यादा मीठा था ना, तब से पछता रही हूँ मैं खा के। बहुत ज़्यादा मीठा होता है यहाँ के डोनट्स में। दिल्ली में है ना MOD मैड ओवर डोनट्स बेस्ट है। वो बड़े स्ट्रगल के साथ आ रही है, आएगी भी नहीं आएगी, सीधी चली जाएगी। वो उठा के पैक करना पड़ेगा मुझे इन लोगों को। फाइनली हम लोग पहुंच गए और ये हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया। पर एनीवेज मैं तो सब कुछ चॉइस नहीं थी चल के मैं आने के अलावा। क्या गई थी कार क्यों नहीं लेके आए? अगर कार लेके आता तो मज़ा कैसे आता? और ऐसे टायर कैसे होते हैं आप लोग कि जाते ही सो जाओ। सो गए अब
नीनी आई है? ओके कि एक्सरसाइज करके अपने पापा को इम्प्रेस करिए, देखो पापा मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, देखो और नीचे नीचे ओ शानू हाँ लव यू करो, बस किया अभी खाना खाया है बस करो, वेरी गुड वो भी आई है। चलो अब सोने के लिए, आप लोग सो गए तभी तो हम लोग पार्टी करेंगे, हम लोग मेहंदी बनाने वाले हैं। पापा सो प्लीज, प्लीज। हाँ आपने तो खाना खा लिया, पार्टी पार्टी पार्टी। उसको छोटी वाली कुछ नहीं पता, जो बड़ी दीदी बोलते भाई। आ जा, क्या हुआ? क्लास हो गई। आ क्यूट। बहुत बहुत टायर्ड हो गई हूँ, इसलिए ये ब्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आज का जो एक और चीज मैं कट करती हूँ वो ये है कि हम लोग इंडिया भी नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग तो वो तो आप लोगों को पैकिंग से पता चल ही गया था कि विंटर वेयर थे, विंटर वेयर पैक करी थी, वहाँ पे समर है तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं जा रहे हैं इंडिया। और कल क्या मैं कट करती हूँ वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा, इसलिए आज यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने अपनों का ध्यान रखना, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।